जी महाराज के मेले की सातवीं बरसी का जो मेला है उसकी भीड़ है और ये वाण गांव का अभिहंगम नजारा, ये आस्था की भीड़ है, ये आस्था का सैलाब है और यहाँ कोई जाति समाज या कोई धर्म का विषय नहीं है। यहाँ बस ये है कि एक बहुत बड़े संत और ऐसे संत जो वचन सिद्ध थे उनके प्रति वो इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहे, यहाँ उन्होंने एक तरह से तप किया और अंतिम जो जिसको हम समाधि कहेंगे वो इसी वाण गांव में है। इसलिए ये गांव या ऐसे गांव जिनमें संतों का रहना होता है वो गांव अपने आप में तीर्थ बन जाते हैं और यहाँ हम इस तरह का नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ निस्संदेह लोगों की भारी आस्था है और एक मेले का रूप लिया है ये, यहाँ हर कोई बड़े इस तरह से उत्साह से आ रहा है। इसको हम हजारों की भीड़ कहेंगे, ये भीड़ भी वैसे ही कि भक्ति की भीड़ है, ये हम इसको भक्ति की भीड़ कहेंगे। श्री चैन जी महाराज का ऐसा बताते हैं कि एक देवासी परिवार में सेवड़ा गांव में उनका जन्म हुआ और बहुत लंबे समय तक वैसे वो एक बड़े संत थे, आबू के बड़े संतों में उनको मानते हैं श्रद्धालु। ये वाण गांव की वो वादियां हैं जहाँ एक संत की वाइब्रेशन है, एक उस संत की वाइब्रेशन है जो जिसने इस लोक कल्याण के लिए तब किया। ये एक बड़े एक अजूबे संत थे जो अक्सर ऐसा उनके भक्त बताते हैं कि वो कहते थे कि अम्बेश्वर जी को ओबा काका बोलते थे या वो उनसे उनका जैसे एक सीधा संबंध हो। ये अपने आप में लोगों की आस्था क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है, चमत्कार की तरफ ये समाज दुनिया झुकती है आती है और यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एक चमत्कार है और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बाबा के भक्त हैं। और अभी आज बता रहे थे सुबह कि ये वो संत थे जो बहुत सरल, कोई जिसको हम कहें कि ना कोई कपड़ों का डेकोरम ना कोई, बस बिल्कुल एक सामान्य से दिखने वाले संत ने वो असामान्य तपस्या की। वेरा विलपुर के बारे में तो बताते हैं कि वहाँ उन्होंने 45 साल तक तप किया और वचन सिद्ध थे ऐसा हम सुनते हैं उनके बारे में। ये मुख्य द्वार है जहाँ श्री श्री 1008 श्री चैन जी महाराज ने यहाँ समाधि ली थी और समाधि के प्रति बड़े भाव है। और चैन जी महाराज के बारे में अक्सर एक बात कहते हैं कि वो एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, या यूं कहें कि वो एक मौजी थे, मनमौजी थे और महादेव के स्वरूप में ही थे। अम्बेश्वर वो कहते हैं कि हजारों हजारों शिवलिंग उन्होंने बनाई है। ये वाण गांव का बहुत विहंगम नज़ारा है, बहुत विहंगम नज़ारा है। ये पूरी पहाड़ी इस बात को बता रही है कि यहाँ वापसी के वाइब्रेशन है। Thank you.
रामेश्वर जी के वो परम भक्त कहलाते थे और रामेश्वर जी को तो कई बार काका करके बोलते थे। रामेश्वर जी को अपने सब कुछ मानते थे और सच में संतों के दर्शन तो कितने दुर्लभ होते हैं और ये कितने चली है कि हम संतों के पास में हैं, संतों की शरण में हैं। यहाँ हम रामेश्वर जी के भी दर्शन करते हैं और ये लोग तो सच में धन्य हैं कि वो लोग धन्य हैं जिन्होंने इनको जीवित काल में देखा और इनकी सेवा का जिन्होंने लाभ लिया। वो लोग सच में गुरुदेव चिन जी महाराज श्री रामेश्वर महादेव जी अवतार थे और इस तरह से हम जो ये देख रहे हैं ये अपने आप में एक कमाल का नज़रिया है साहब, कमाल का नज़रिया है। हम और अगर थोड़ा बक्सी को ये आसन है यहाँ बड़े बड़े यहाँ एक और खास बात है, चूंकि संत का स्थान है, संत की भूमि है, संत की समाधि है, तो हम संतों के दर्शन तो यहाँ अवश्य कर रहे हैं और ये सभी पहुँचे हुए संत हैं। अगर मैं इधर बात करूँ श्री श्री 1008 श्री राजू गिरी जी महाराज जो इनके शिष्य हैं, इनके शिष्य हैं या जिनको स्वयं ने आशीर्वाद दिया है श्री चंद जी महाराज ने। और अगर हम इधर देखें यहाँ इनके भक्त इस व्यवस्था को देख रहे हैं और एक और बड़ी बात कि यहाँ भंडारा चल रहा है और सच में संत के दरबार में कभी कोई कमी होती नहीं, सभी एक पंगत में बैठते हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, बस यह है कि सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सच में देवनगरी धर्म नगरी या ये देवभूमि इन संतों के कारण है और संत ना होते तो जल जाता संसार, ये ज़रूर लोगों ने अपनी भावना के अनुसार
ये सारी बात कही है। यहाँ देखिए किस तरह से ये बहुत श्रद्धा के साथ भोजन प्रसादी करवा रहे हैं, और मैं अगर इधर नज़र डालूँ तो ये सब ये प्रसाद है, ये उस संत का प्रसाद है जो भाग्यशाली लोगों को मिलता है। सब इस तरह से गर्मी में आते हैं और यहाँ सब एक पंगत में बैठे, जो हमारी भारतीय परंपरा होती है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूँ, और हम बस इतना कहेंगे कि संतों की कृपा हमारे ऊपर, संसार के ऊपर बनी रहे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री चैन जी माँ।